साल 2024 के इस लोकसभा चुनाव को विवादित बयानों के लिए भी याद रखा जाएगा। हार और जीत की जद्दोजहद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे, स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखिए। सातवें चरण का मतदान आते आते अब विवादित बयानों का सैलाब आ गया है। हालत यह है कि वार करने वाली जुबान भी जहरीली है और पलटवार में चले जुबानी तीर भी जहर बुझे। छठे चरण का मतदान खत्म होते ही बिहार की एक रैली में दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का बयान विपक्षी नेताओं को बहुत चुभ गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल और तेजस्वी के गठबंधन की तरफ इशारा साधते हुए कहा कि चाहे वोट बैंक के सामने मुजरा ही करें, लेकिन मोदी ओबीसी एससी और एसटी जातियों के आरक्षण में सेंध नहीं लगने देगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। दो बयान विरोधियों को बहुत नागवार गुजर रहे हैं। मोदी के मुजरे वाले बयान पर टिप्पणी प्रियंका गांधी ने भी की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे के इस बयान पर खामोश रह गया कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 का विजन तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो 2047 तक जीवित रहेंगे? माँ गंगा ने उसको बुलाई है और वो बोल रहे हैं कि 47 तक का शाश्वत भी रहेंगे अगर क्योंकि कहीं समंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। जहरीली जुबान की सबसे बड़ी जंग और आगे निकलने की होड़ तो जैसे बिहार में चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जमीन के बदले नौकरी देने वालों को जनता सबक सिखाएगी, तो जवाब तेजस्वी यादव ने जिस लहजे में दिया उसने कड़वाहट को और बढ़ा दिया। पहले मोदी और फिर तेजस्वी का बयान सुनिए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री, और यहाँ आ करके हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद कर देंगे। फैसला जनता को करना है। 1 जून को एग्जिट पोल आ जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट भी जनता के सामने होगा। जीत हार का फैसला जनता करेगी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र की मर्यादा में जहरीले बयानों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में अब सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का ये वक्त बचा है और आखिरी चरण के लिए सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से मैदान में डटी हुई हैं। और इस बीच सातवें चरण के प्रचार में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दावा किया कि राहुल गांधी ने कभी भी पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा। यह शशि थरूर की तरफ से दावा है, जबकि पीएम मोदी पाकिस्तान गए। शशि थरूर के इस वार पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार भी सामने आया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बार बार पाकिस्तान प्रेम यह दिखाता है कि कांग्रेस नेता हिंदुस्तान में पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। अगर आप असलियत में इतने कॉन्फिडेंट हो तो प्रधानमंत्री इस किस्म की बातें करेंगे? जो प्रधानमंत्री अभी उनकी डेस्परेशन दिखा रहे हैं, जो जिस किस्म की बातें वो तो कर रहे हैं कुछ 2-3 हफ्ते से, मेरे ख्याल में ये स्पष्ट है
कि भाजपा पता किया कि उनके हाल बहुत बुरा होने वाला है और इसलिए जो भी वो उनके मन में आते हैं वो लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़रा सा डेस्परेट हो चुके हैं। मैं आपसे कहूँगा ये नहीं होने वाला है, भाजपा के हाल बहुत बुरा है और सरकार के बदलाव आने का वक्त आ गया है। बार बार पाकिस्तान प्रेम जागना दिखाता है कि कांग्रेस के नेता है तो हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में चुनाव नहीं, हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन सोच शायद ऐसी है कि जो पाक समर्थक कुछ लोग हैं उनके वोट पे नज़र है। और ये कांग्रेस की रणनीति शुरू से ही रही कि इन्होंने हिंदुस्तान का हिस्सा पाक अधिकृत कश्मीर बनवा दिया। हमारे देश में जो सब संभव हो सकता था वो भी नहीं किया, और बार बार कांग्रेस ने देश की सेना को कमज़ोर करने का काम किया, दलालियाँ खाई रक्षा सौदों में।